आज हम लासा की ओर जाकर के पहले पेज को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे, मतलब अंडरलाइन करेंगे। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, फिर कलिडपोड, ये इसका नहीं पता हमें, फिर कलिडपोड, फिर भी इसमें, फिर कलिडपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिसमें कभी चिन्नी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त, हम इसका भी नहीं पता, प्रत्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी, मतलब बहुत कम आदमी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंगों की बना के मिट्टी के रोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यह बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चौड़ी और मथकर, ये नहीं पता, ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। ये था आज का हमारा पेज। तो आज हमने कितने वर्ड्स रेखांकित करे, पहला वर्ड है फरी कलिडपोड, दूसरा है प्रत्यक्त, तीसरा है रोटीदार, चौथा है चौड़ी, पाँचवा है मथकर, छठा है नहीं पाँच ही। अगर आपको इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब पता हो, मीनिंग पता हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।